समाजवादी पार्टी की मासिक समीक्षा बैठक बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने किया। बैठक में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को विजयी बनाने की रणनीति तैयार की गई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने बताया, जिम्मेदार लोगों को लगाऊंगा और दस्तक लोगों को आप चार चार सेक्टर दे देंगे, तीन तीन सेक्टर दे देंगे, 20 सेक्टर अगर बनाए हैं तो नहीं तो जो रणनीति नहीं बनी होगी कैराना में, तो मैं समझता हूं कि कैराना जितना बड़ा मुश्किल था। ये चौधरी अजीत सिंह को जो उन्होंने प्रत्याशी उनसे दिलवाया, अपने प्रत्याशी को आरएनडी का प्रत्याशी उन्होंने बनवाया, तो ये बहुत बड़ी रणनीति है। और हम लोग जो हमारे बूथ शेष रह गए हैं, या जिन बूथों पर हमारे जो पदाधिकारी हैं, बूथ के जो बूथ प्रभारी हैं, सेक्टर प्रभारी, जिनके काम में कुछ शिथिलता है, हम उनके स्थान पर नए लोगों को बनाएंगे। और आगामी जो 2019 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव की तैयारी हम लोग अभी से शुरू कर दी। गोरखपुर जनपद चुनावी मोड में आ जाए से है। हम लोग पूरे 9 के 9 विधानसभा ऐसी रणनीति बनाने जा रहे हैं कि गोरखपुर के 9 के 9 विधानसभा समाजवादी पार्टी के। कोई हथौड़ा ऐसा योगी जी के पास नहीं है कि वो गठबंधन तोड़ पाए। हालांकि वो तोड़ने की बात अगर कर रहे हैं तो तोड़ना उनका काम है, जोड़ना काम उनका नहीं है। वो अपने स्वभाव के अनुसार बोल रहे हैं, लेकिन गठबंधन बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। समाजवादी पार्टी के नेता बहुत मजबूत हैं। समाजवादी कार्यकर्ताओं के दिल में अखिलेश यादव को भारत का प्रधानमंत्री बनाने तक का सपना देखा है, माननीय अखिलेश यादव को आगे ले जाने का सपना देखा है। हमारे नेता सबके लिए काम करते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग मिल करके गोरखपुर में अखिलेश यादव जी की जमीन इतनी तैयार कर रहे हैं कि वो इतनी तैयार हो कि यहाँ कमल न खिल सके, यहाँ साइकिल ही चले।